आज हम करेंगे संतवाणी के क्वेश्चन आंसर को। दोस्तों मैं हूं दीपक, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खालील कृति केवा घड़ताल ते लिहा, तो मादा धावन जाते, उसका आंसर है आगीत बाढ़ सापड़ल्यावर, पृथ्वीवर पक्षी ने जो झेपावते, उसका आंसर है पिल्लू जमीनीवर पड़ताच, फिर गाय हम्बरता धावते, उसका है भूकेले वासरू पहल्यावर, फिर लास्ट है हरिणी चिंतित होते तो जंगलात वणवा लागल्यावर। सेकंड क्वेश्चन है, आकृति पूर्ण करा, तो कवितेतील माता आणि हरिणाचे वर्णन करणारे सब, तो माता का होगा कनवाळू और हरिणी का होगा चिंतित। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणते लिहा, तो परमेश्वराचे दास संत नामदेव और मेघाला विनवणी करणारा चातक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य सौंदर्य का पहला देखिए, सर्वेंचे झेपावे पक्षिणी, पिलो पड़तांची धरणी, भूकेले वस्त्रावे देनु हुंबर तक धावे, तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पर है। देखिए आप वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए काव्य सौंदर्य का, आई प्राणी पक्षी आंचा मात्र प्रेमाचे कवितेतून व्यक्त झालेले वर्णन तुमच्या शब्दांत सांगा, तो यहाँ पर इसका आंसर है, आप वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट है, संत नामदेवानी परमेश्वराकडे केलेली विनंती सोदाहरण स्पष्ट करा, तो उसका आंसर यहाँ पर देखिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, पक्षाच्या प्राण्याच्या आपल्याला पिलाशी असलेल्या संबंध बाबत तुमचा अनुभव लिहा, तो इसका आंसर यहाँ पर देखिए, राइट डाउन कर लीजिए इसको।